हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गैस गरी के बुरादे की बर्फ़ी। तो गरी का बुरादा, गैस आपने कहा था कमेंट में एक सब्सक्राइबर्स ने कि गरी का बुरादा क्या होता है। सो गैस, एक गरी का जो गोला होता है ऊपर का छिलका उतारने के बाद उसको कद्दूकस करा जाता है तो वाइट होता है, और जो ब्राउन कलर का जो छिलका होता है गरी का वो निकाल दिया जाता है इस तरीके से। उसको कद्दूकस करने के बाद उसको कहते हैं गरी का जर्दा, गरी का बुरादा, जो भी आप भाषा बोलते हो। तो गैस इस तरीके से आप गरी की बर्फ़ी बना सकते हैं। मैंने लिया है आधा गिलास दूध, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है, ना ही आपको ज़्यादा घी लेना है, ना ज़्यादा दूध लेना है, बस मिल्क पाउडर मैंने दो पाउच लिए हैं। इससे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं गैस गरी के बुरादे की बर्फ़ी। तो बनाने के लिए गैस गैस को ऑन करेंगे और जो मैंने आधा गिलास दूध लिया है वो कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई चाहे कोई भी हो आपके पास, चाहे लोहे की कढ़ाई हो या नॉन स्टिक फ्लेम हो, कोई अवेलेबल हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। तो मैंने एक कटोरा गरी का बुरादा लिया है और मैंने लिया है एक कटोरी चीनी। तो गैस आप चार चीज़ों से आप बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया गरी की बर्फ़ी। तो गैस दूध को मेल्ट करने के लिए इसमें डाल देंगे चीनी। तो जब चीनी डालेंगे तो दूध का कलर थोड़ा हल्का हो जाएगा। चीनी डालने से गैस पिघलती है। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। मैंने डेढ़ कटोरी कांच की, जो आप दे सकते हैं, जो आपके घर में भी अवेलेबल होगी कटोरी, तो आप इस तरीके से डेढ़ कटोरी चीनी डाल दीजिए। और गरी का बुरादा जो लिया है मैंने 250 ग्राम लिया है, और मैंने मिल्क पाउडर इसके ऊपर दो पाउच इस तरीके से डाल देंगे। तो ऑलरेडी गर्म है और गर्म के ऊपर मैंने पाउडर, एक पाउच मिल्क पाउडर डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट हो गया है और ये अच्छे से घुल नहीं पाया है। तो चलिए नो प्रॉब्लम, मैंने कचली से दबा दबा कर इसको लो फ्लेम पर गैस करके इसको ठीक से घोल दिया है। अब दूसरी कटोरी में डाल देंगे मिल्क पाउडर दूसरा पाउच, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने का इसको घोलने के बाद डाल रही हूँ मैं, ताकि इसमें गुठली ना पड़े, जो मैंने पहले डाला था अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब मैंने दूध डाला है, दूध डालने के बाद चीनी डाली है, चीनी डालने के बाद मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा खोया भी डाल सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा डाल सकते हैं तो 4 टीस्पून। तो खोया अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी से ही आप बना सकते हैं। तो गैस इसमें खोल अच्छे से आ गई है। जब इसमें दो तार की चाशनी बनने वाली हो और ये गाढ़ा हो जाए, उंगली में लगाकर देखेंगे तो चिपचिपाहट होगी और दो तार की चाशनी हो जाएगी, तो ये परफेक्ट चाशनी बनने के लिए तैयार है। अब जो मैंने गरी का बुरादा जो घिस के लिए लिया है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरी घिस लिया है कद्दूकस से अलग से भी। तो गैस जो मैंने जो गरी का गोला जो दिखाया था तो मैंने अलग से डाल दिया है कद्दूकस करके। इससे क्या रहता है गैस, जो बाउंडिंग है जो बहुत ही अच्छी बनती है और आपकी कतरी बहुत ही अच्छे से जमेगी। जो मैं दिखा रही हूँ गैस, ये गरी का गोला मैंने कद्दूकस करके थोड़ा सा अलग से डाला है। तो गरी का बुरादा और गरी तो दोनों इस तरीके से अच्छे से डाल देंगे, और जब चलाते रहेंगे तो ये मिक्स होने लगेगा। इसमें गैस घी नहीं डालना है, घी ऑलरेडी गरी में होता है। तो इस तरीके से जब चलाते रहेंगे तो कढ़ाई छोड़ देगा, और कढ़ाई में इस तरीके से अगर चिपचिपाहट होगी तो आपकी कतली जमने के लिए परफेक्ट तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जब कढ़ाई में छोड़ देता है ये, जब इसको कढ़ाई को कचली, अब आप देख सकते हैं कि मैं कचली को जो चाकू से निकाल रही हूँ, खुरच रही हूँ, तो जब ये आप देख सकते हैं कि ये इसने बिल्कुल एक डो जैसा तैयार हो जाता है। तो ये डो परफेक्ट तैयार हो गया है, अब ये जमने के लिए परफेक्ट तैयार हो चुकी है कतली गरी की। तो गैस को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा गुलाबी हो गया है। अब जो थाली लेंगे या जो भी अवेलेबल हो आपके पास, उसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और इसमें लेयर लगा लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो मैंने गरी कोई बनाया है कतली, वो इसमें अच्छे से तुरंत डाल देना है, और देर नहीं करनी है गैस। हाँ, तो मैं थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा पानी, और ताकि ये गर्म है तो बड़ी सावधानी से ही करना है। तो मैं पहले गिलास से कर रही हूँ या कचली से, तो इस तरीके से बराबर कर लेना है। तो गिलास से तो मैंने कर दिया है और इसमें गिलास में चिपक रहा है। तो इस तरीके से अब मैंने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिया है, थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं बराबर से इसको कर देनी है। तो मैं कचली जो है प्लेन वाली ली है, उससे भी इस तरीके से दबा दबा कर, जो आप मोटी लेयर लेना चाहें तो मोटी ले सकते हैं, छोटी पतली बनाना चाहें तो आप छोटी बना सकते हैं। तो या चौकोर डिब्बा ले लीजिए। अब इसके ऊपर आप चाहें तो चांदी की परत होती है, परत लगा सकते हैं, तो उससे भी डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया लगती है। तो गैस चाहे तो नहीं लगाइए। तो आप सभी को गैस जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी पे आप गैस बनाइएगा गरी के बुरादे की बर्फ़ी, और इस तरीके से परफेक्ट बन के तैयार हो गए। तो गैस आप मेरी रेसिपी कौन सी जगह से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसको पंखे में रख देंगे 15 मिनट के लिए। जब पंखे में रख देंगे तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगी। चाहे तो अगर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने जमाया है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं है, गीली नहीं है, अच्छे से जम गई है। इसके ऊपर चिरौंजी और केसर के लच्छे लगा देंगे, तो केसर
केसर से भी कलर बहुत अच्छा आता है। चाहे तो आप इसमें पहले ही केसर डाल देते तो वाइट की जगह थोड़ा सा केसर का कलर आ जाता येलो कलर में। तो गैस केसर मैं ऊपर से चिपका दे रही हूँ हल्की हल्की सी। और इसमें गैस इलायची नहीं डालिएगा, अगर आप इलायची डालेंगे तो इसमें टेस्ट अलग आ जाएगा, तो गरी का टेस्ट ना हो कि आपकी इलायची का टेस्ट लगेगा, इलायची बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गरी के बुरादे की बर्फी इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये ठंडी हो चुकी है, इसको चाकू से मनचाहा आकार दे सकते हैं, तो बर्फी का शेप दे सकते हैं। इस तरीके से गैस बर्फी बनकर तैयार हो गई है। आप कान्हा जी के लिए भोग लगाइएगा, प्रसाद सबको पाइएगा और सबको दीजिएगा। और आपको गरी के बुरादे की बर्फी इस तरीके से गैस आप फटाफट बना सकते हैं, तो 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बनाने के लिए, आपकी क्वांटिटी परफेक्ट है, ना ही आपको इसमें घी डालना है ज़्यादा, ना दूध डालना है, बस फटाफट बनकर तैयार हो गई है। और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो गाइस अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि परफेक्ट बर्फी जमकर तैयार हो गई है। अगर इसकी टाइटनेस आपको देख कर ही आपको पता चल रही होगी कि बिल्कुल गीली नहीं है और परफेक्ट जमी हुई है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं और आपको मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हैप्पी शुभ जन्माष्टमी। तो इस तरीके से गाइस इसको मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो इस तरीके से गरी के बुरादे की बर्फी बनकर परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए मैंने सर्व कर लिए। तो इस तरीके से गाइस आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। हैप्पी जन्माष्टमी। हेलो, वेलकम बैक, न्यू वीडियो, हैप्पी जन्माष्टमी गाइस आप सभी को। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जो मैं बनाने जा रही हूँ मेवा की कतरी। मेवा की कतरी बनाने के लिए गाइस गैस को ऑन करेंगे और इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी डालेंगे और घी को गर्म करेंगे और सबसे पहले भूनेंगे गौन। गौन अच्छी क्वालिटी का लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हाई टेम्परेचर में इसको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गैस को हाई फ्लेम पर रखा है और थोड़ा थोड़ा करके गौन डालना है। गौन गाइस अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तो बढ़िया आपका फूल फूलेगा और बढ़िया बनेगा। तो गाइस इस तरीके से आप गौन को फ्राई कर सकते हैं, तल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं गौन तल लिया है और गौन को देसी घी में ही तलना है। तो गाइस जन्माष्टमी में गाइस मेवा बनाने के लिए गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। अगर आपके पास मावा कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कम में भी बना सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा में भी बना सकते हैं। तो गाइस कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए तो आप सभी लोग प्रसाद बनाएंगे, तो प्रसाद आप इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं मेवा की कतरी। तो बहुत ही आसानी से बनने वाली है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, आप मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मावा की कतरी कैसे बनाई जाती है। तो गौन इस तरीके से मैंने तल लिया है। तो घी मैंने क्वांटिटी मैंने बताया था 2 छोटे चम्मच डालना है और इस तरीके से गौन को उड़ी की तरीके तल लेंगे। तो लीजिए गौन बनकर तैयार हो गया है फ्राई। इस तरीके से गाइस आप गौन फ्राई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे कि गौन की कतरी कैसे बनानी है मेवा की। तो कढ़ाई गर्म हो रही है, गर्म होने के बाद इसी कढ़ाई में आपको डाल देना है घी। तो बस 1 चम्मच घी की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। तो अब मैंने लिया है मखाना, छोटे छोटे पीसेस मखाने के कर लिए हैं। तो मखाने को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मखाने को गाइस तलना नहीं है, बस 1 चम्मच घी डालकर मखाने को कुरकुरा कर लेना है। तो करारे हो जाएंगे तो कतरी बन में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाले हैं। तो इस तरीके से गाइस मखाने को भी उसी कढ़ाई में ही फ्राई कर लिया। अब तब आगे देखेंगे कि मखाना अच्छे से बन गया है। तो गौन मैंने जिस थाली में गौन निकाला था उसी थाली में ही मखाना निकाल लेंगे। और मखाने के गैस मैंने 1 मखाने के 4 पीसेस किए हैं। तो इस तरीके से गैस मखाने को भी लीजिए, अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो मखाने को भी उसी थाली में रख लेंगे। अब गैस को लो फ्लेम पर कर देना है। तो लीजिए गौन और मखाना तैयार हो गया है। अब मैंने लिए हैं बीजे, खरबूजे के, खरबूजा के बीजा, उसमें ऑयल नहीं डालना है, बस उसी कढ़ाई में ही हल्का सा गरम कर लेना है। थाली ढक देंगे नहीं तो छिटकने लगेगा इधर उधर, सारा बीजा जो है खरबूजे का भागने लगता है। तो इसको पकड़ने के लिए गाइस थाली ढक देनी है और इसमें ऑयल नहीं डालना है, घी नहीं डालना है।
तो लीजिए, मैंने बीजे को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैंने जो भी आपके पास मेवा हो तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बादाम के छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। ये मैंने छुआरे जो हैं गैस को ऑफ़ कर दिया है और छुआरे को हल्का सा उसकी नमी को ख़त्म किया है, जिससे ये हल्के से ऑलरेडी मीठे होते हैं। अब मैंने लिया है गरी के लच्छे। गरी के लच्छे जो होते हैं, जो गरी होती है, गरी नारियल का गोला जो होता है, उसको कद्दूकस कर लेते हैं तो उसके जो लच्छे निकलते हैं, तो वो मैंने गरी में किए हैं। मैंने एक नारियल को लिया था, फोड़ लिया था, और फोड़ने के बाद उसको लच्छे निकाल लिए थे कद्दूकस से। तो इस तरीके से अब इसमें भी ऑयल नहीं डालना है, ऑलरेडी इसमें घी होता है, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसी के गरी के लच्छे, तो गरी को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो इसको भी निकाल लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। तो इसको गैस गरी का बुरादा भी बोलते हैं, गरी के लच्छे भी बोलते हैं। तो इस तरीके से तेज़ आंच में अगर आप करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो इस दूसरी थाली में भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने सारा गरी के लच्छे जो हैं, गरी का बुरादा है, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब लेंगे एक गिलास पानी चाशनी बनाने के लिए। चाशनी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। और मैंने लिया है 250 ग्राम से ज़्यादा चीनी, 300 ग्राम समथिंग चीनी है। ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मेवा में ज़्यादा चीनी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक कटोरा बॉल आपने देखा है, तो 300 ग्राम समथिंग मैंने चीनी इसमें डाल दी है। चाशनी में बॉयल आने लगी है। चाशनी दो तार की बनानी है। अब इसमें मैंने डाल दिया है किशमिश, एक कटोरी किशमिश को फ्राई नहीं किया है। गैस को हाई फ्लेम पर करेंगे और इसको बनाएंगे दो तार की चाशनी। दो तार की चाशनी को आप इस तरीके से जब दबाएंगे तो उंगली में अच्छे से जब चिपकने लगती है चाशनी, तो इसमें दो तार निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से गैस दो तार की चाशनी जब बनने लगती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसमें डालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि नीचे चाशनी पक जमने लगी है। तो ये गैस इस तरीके से भी आप पहचान लगा सकते हैं कि चाशनी परफेक्ट तैयार हुई है कि नहीं। तो अब जो कचली से इस तरीके से मैं डाल रही हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि दो तार निकल कर आ रहे हैं। और जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई के किनारे जो चीनी जो है चिपकने लगती है, जमने लगती है। तो अब आप देख सकते हैं चाशनी परफेक्ट तैयार हो गई है। तो इस तरीके से जब चलाएंगे, और चलाने के बाद गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है। और ये दो तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई। अगर तीन तार की चाशनी हो जाएगी तो आपकी मेवा जो है अच्छे से कतली नहीं बन पाएंगी, जमेगी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि दो तार मैंने दिखाए हैं कैमरे में, अच्छे से दिखाया है। ये दो तार की चाशनी ही आपको बनानी है। तो ये परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। बड़ी सी परात ले लेंगे या बड़ा सा थाली ले लेंगे, उसमें लगाएंगे घी, देसी घी लगाना है। चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और ग्रीस करने के बाद जो मावा, जो मेवा मैंने फ्राई की थी, वो इसमें डाल देंगे। तो वैसे आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो वैसे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए मैं बना रही हूँ ये प्रसाद। तो आपको प्रसाद की रेसिपी कैसी लगी गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो बताइएगा। तो इस तरीके से गाइस, जो मैंने फ्राई की थी, तली थी, गोंद तला था, फ्राई किया था, कितने भी आपके पास मेवा हो तो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लीजिए। तो इस तरीके से कढ़ाई के अकॉर्डिंग मैंने लिए, कढ़ाई पूरी परफेक्ट अच्छे से भर चुकी है। दो करछुली से इस तरीके से चलाएंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अब कतली बनने के लिए परफेक्ट चाशनी हो गई है, और कतली अच्छे से बनकर तैयार हो गई। इसको ज़्यादा अच्छे से चलाएंगे तो मेवा आपकी अच्छे से चाशनी में पक जाएगी। तो अब जब दूसरी करछुली से मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जमने लगी है। गैस को ऑफ कर दिया है, और उसी परात में सारी मेवा को इस तरीके से निकालेंगे। गोंद को गैस मिक्सी में नहीं पीसना है, और इस तरीके से सब निकालने के बाद इसको जमा देंगे। तो गैस इसमें मैंने बीजा और खरबूजे के बीज हैं, मखाने, छुआरा, चिरौंजी, किशमिश, जो भी पंचमेवा की कतली बनाई है मैंने। तो गैस पंचमेवा की कतली बनकर तैयार हो गई हैं। और तुलसी पत्र रख के आप बिहारी जी के लिए भोग लगाइएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा मेवा की कतली किस तरीके से बनाते हैं। तो ये मावा की कतली बनकर तैयार हो गई है। एक गिलास ले लेंगे, बराबर से सबको कतली को जमा देंगे, और इसको 1 घंटे के लिए पंखे में रख देंगे।
जब पंखे में रख देंगे तो ये जम जाएगी, और जमने के बाद इसको काट लेंगे। तो गाइस जन्माष्टमी में इस तरीके से आप रेसिपी बना सकते हैं, जन्माष्टमी में या नवरात्रे में या कोई व्रत है आपका उसमें भी आप बना सकते हैं। गणेश जी के भी दिनों में आप मावा की कतली बनाइएगा और भोग लगाइएगा, और ये ख़राब भी नहीं होती है, काफ़ी टाइम तक रख कर इसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप बनाएंगे तो परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है, और मैं इस तरह रख देती हूँ पंखे की हवा में। तो लीजिए बनकर तैयार हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आधा घंटा हो चुका है और इसको ठंडा कर लिया है, और जिस प्रकार से मैं कतरी बना रही हूँ इसी तरीके से आप अगर बनाएंगे तो सच मानिए आपकी बहुत ही बढ़िया बनने वाली हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने जमाया था पूरी की पूरी थाल में जम गया है। इसको गैस चाकू से नहीं कट पाएगी, बस आपको इस तरीके से पीसेस में काटना है, तोड़ना है। तो गैस इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए मैंने सर्व कर लिया है। तो ये मावा की कतरी, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गैस जन्माष्टमी में जो फलाहार बनता है खाना, सिंगाड़े के आटे और कलहारी आलू और कलहारी भुइयां बनाने के लिए गैस मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो गैस बॉयल किए हुए आलू मैंने इस तरीके से फोड़ लिए हैं, जितने अवेलेबल हो उतने आप फोड़ लीजिएगा। बॉयल करने के बाद ही गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे, चाहे तो आप देसी घी डाल सकते हैं या रिफाइंड डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो इस तरीके से आप डालिए और इसको गर्म कीजिए। तो गैस जन्माष्टमी में फलाहार इस तरीके से सेंधे नमक का आप बनाइए, और आपको दिखाया जाता है तो आप इस तरीके से सिंगाड़े के आटे की सब्जी साजी वीडियो में आपके साथ शेयर करी हूँ। इसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, और डाल देंगे बॉयल किए हुए आलू जो मैंने फोड़ लिए हैं। तो गैस मैं सेंधे नमक की कलहारी आलू चटपटे मसालेदार बना रही हूँ। तो गैस इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इस तरीके से गैस आप कलहारी आलू, फ्राई किए हुए आलू जिसको बोलते हैं, और इसमें डालेंगे सेंधा नमक, सेंधा नमक जो मैंने डाला है 1.5 चम्मच टीस्पून, तो इसको चलाएंगे। तो इस तरीके से गैस आप फ्राई आलू कर सकते हैं, और अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, चाहे तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर सादा कलहारना है तो इस तरीके से आप सादा कलहारिएगा। तो गैस इस तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं फ्राई आलू। तो गैस आपको फ्राई आलू की रेसिपी कैसी लगी? अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सर्व कीजिए। और इस तरीके से आप कलहारी आलू चटपटे बना सकते हैं और चाय के साथ खाइएगा। तो लीजिए कलहारी आलू बनने के बाद अब बनाएंगे रसीली सब्जी। तो गैस इसकी सबसे पहले आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद आपको निकालना है तो आधे आलू निकाल लीजिए, और इस तरीके से आधे आलू के फ्राई आलू बना लेंगे, और आधे आलू के बना लेंगे रसीली सब्जी सिंगाड़े के आटे की। तो इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं। तो गैस गैस को ऑफ कर देंगे, उसको सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्राई आलू बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं फ्राई आलू तल कर लेती हूँ। तो गैस इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से गैस आप फ्राई आलू बना सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अभी जाइएगा नहीं। सो गैस फ्राई आलू करने के बाद जो आधा आलू मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है, आप रसीली सब्जी बनाने के लिए सिंगाड़े के आटे की रसीली सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसमें डालेंगे इमली। इमली आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें खड़ी खटाई या आप इसी खटाई डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का, गर्म पानी नहीं। तो गैस व्रत में आप इस तरीके से भोजन बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, कान्हा जी को भी बहुत पसंद है। और इसमें डालेंगे सिंगाड़े का आटा 1.5 टीस्पून जो मैंने भर भर के डाला है। तो इस तरीके से जब जैसे ही आप पानी डालेंगे, पानी गर्म नहीं हो पाए और इसी के ऊपर डाल देंगे सिंगाड़े का आटा। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक, ऑलरेडी पहले मैं डाल चुकी थी कलहारी आलू में, तो इसमें डालना है थोड़ा सा कम। तो अब आप कलर देख सकते हैं, जब इमली डालेंगे लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनकर इस तरीके से सब्जी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और फ्राई आलू का कलर दूसरा था और उसका कलर दूसरा है। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो गैस इससे सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, सिंगाड़े के आटे की रसीली सब्जी। तो गैस कलहारी आलू और सिंगाड़े के आटे की रसीली सब्जी और इमली डालकर जो मैंने बनाई है, तो इस तरीके से गैस आप
बना सकते, किस तरीके से बनाएंगे, और बनाएंगे कलारी घुइयां। तो कलारी घुइयां बनाने के लिए घुइयां आलू मैंने एक साथ बॉईल कर लिए थे, घुइयां को छील लिया है, छीलने के बाद इसको फोड़ लिए हैं दबा के। तो गैस आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो घुइयां बनाने के लिए गैस गैस को ऑन करेंगे, और ऑन कुक गैस, मैं इसलिए बोलती हूँ कि गैस अगर आपने कढ़ाई तो रख दी और गैस ऑन नहीं करी तो आपकी सब्जी बन नहीं पाएगी, इसलिए गैस को पहले मैंने बोला है कि गैस को आपको ऑन करना पड़ेगा तभी आपकी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो गैस अब इसमें डाल देंगे अजवाइन और एक चुटकी हींग अगर डालना चाहे तो इस तरीके से अब मैं डाल देंगी घुइयां जो मैंने इस तरीके से दोनों हथेलियों की सहायता से इस तरीके से दबा लिया है। और दबाने के बाद ये थोड़ी सी घुइयां मैंने छोड़ दी हैं, मैं बनाऊँगी अभी पूड़ी सिंगाड़े के आटे की। अब इसमें डाल दें, काट लेंगे हरी मिर्च, चाहे तो आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए या इसको हरी मिर्च को फोड़ कर इसमें डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से अब इसमें डाल देंगे सेंधा नमक। तो फ्राई घुइयां गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है, टेस्ट तो इसका दुगना हो जाता है बनने के बाद। और इसमें डाल देंगे मोटी लाल मिर्च, थोड़ी सी महीन वाली नहीं, आप देख सकते हैं चिली फ्लेक्स थोड़ा सा मोटा वाला मैंने अलग से पीस लिया था मिक्सी में। तो इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं फ्राई घुइयां, और फ्राई घुइयां जो है बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि जन्माष्टमी में आप भोजन इस तरीके से आप सेंधे नमक का बना सकते हैं, और चटनी अवेलेबल आपके पास होगी इमली की चटनी, और हल्दी हैं पूड़ी बनाने के लिए चौथे स्टेप की तरफ। तो गैस झटपट पूड़ी बना लेंगे सिंगाड़े के आटे की। सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बनाने के लिए गाइस मैंने लिए है बॉयल की हुई घुइयां, और मैंने लिए है 4 बॉयल किए हुए आलू। तो आलू और घुइयां को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से गाइस क्या रहता है, आलू जो है हाथ से अगर फोड़ेंगे तो उसमें गुठली रह जाएंगी, जब गुठली रह जाएंगी आलू की तो आपकी पूड़ी फूलेगी नहीं और अच्छी पूड़ी नहीं बनकर तैयार होगी। आलू को गैस अच्छे से कस लेना है और इसमें एक भी लम्स ना रहे, गुठली ना रहे। तो लीजिए मैंने आलू सारे कद्दूकस कर लिए हैं इस तरीके से गैस। कद्दूकस करने के बाद अब बनाएंगे सिंगाड़े के आटे की पूड़ी, चाहे तो आपके पास सिंगाड़े का आटा ना हो तो कूटू के आटे की भी पूड़ी बना सकते हैं, इसी प्रोसेस से बनती है कूटू के आटे की पूड़ी। तो मैंने अब लिया है सिंगाड़े का आटा। नेक्स्ट वीडियो में गाइस आप देख सकते हैं कि सिंगाड़े का आटा मैंने घर पर खुद बनाया है, सिंगाड़े के आटा मिक्सर में पीस लिया था, आटा बनकर तैयार हो गया था। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इस आटे की को। आप आटे का डो तैयार कर नहीं रख सकते हैं, अगर आप डो तैयार करके 5 मिनट के लिए भी रख लेंगे तो ये गीला हो जाता है। तो गाइस जैसा ही आपको पूड़ी बनानी हो उसी समय ही आप इसको आटे को डो तैयार कीजिएगा, और इस तरीके से अगर आप आटे का डो तैयार करेंगे सिंगाड़े के आटे का तो सच मानिए आपकी पूड़ी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तो आपको स्टेप अच्छे से याद रखना है कि आलू को कद्दूकस कर लेना है, हल्का सा थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, इसका डो थोड़ा सा टाइट ही डो तैयार करना है, बिल्कुल गीला नहीं करना है, पानी को भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्वांटिटी बिल्कुल कम रहेगी, जैसे आधा कप पानी समथिंग मैंने इसमें डाला है, आधे कप से ज़्यादा नहीं डालना है कि ऑलरेडी इसमें 2 घुइयां और 4 आलू मैंने इसमें कद्दूकस करे हैं। तो ये आटा जो मैंने 250 ग्राम समथिंग आटा इसको गूंद लिया है, और इस तरीके से डो परफेक्ट तैयार हो गया है, और जो हाथ में चिपका है वो चाकू से निकाल कर या चम्मच से इस तरीके से हाथ से निकाल लीजिएगा, मगर हाथ में पानी लगा कर इसके ऊपर पानी नहीं लगाना। तो चलते हैं गैस की तरफ, गैस को ऑन करेंगे और रखेंगे कढ़ाई। तो लीजिए मैं बनाती हूँ पूड़ी। तो गैस जन्माष्टमी में इस तरीके से गैस आप पूड़ी बनाइएगा। अब नवरात्र आने वाले हैं, अब नवरात्र में भी आप इस तरीके से अगर आप सिंगाड़े के आटे की पूड़ी सब्जी कलहरी घुइयां कलहरी आलू खाएंगे तो भी आप अगर सेंधा नमक के लेते करते हैं व्रत तो आप इसी तरीके से आप बनाकर खा सकते हैं। तो गैस आप इस तरीके से लोई तोड़ लेंगे। लोई जो है इतनी बड़ी आप पूड़ी बनाते हैं उतनी ही लोई ले लेनी है, एक छोटे आलू के आकार की। तो इस तरीके से सिंगाड़े के आटे का ही इसके ऊपर लोई के ऊपर लगाना है परथन।
जिसको बोलते हैं सूखा आटा, तो सिंगाड़े के आटे का मैंने इस तरीके से पूड़ी बेल कर तैयार कर ली है। इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो क्वांटिटी गर्म बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और अगर आपका बिल्कुल ऑयल गर्म नहीं है तो आपकी पूड़ी नहीं फूलेगी। तो आप देख सकते हैं कि पूड़ी गर्मा गर्म फूल कर गुब्बारा जैसी बन गई है। तो इसको सर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी पूड़ी भी डाल देंगे, और बहुत ही ध्यान से डालिएगा कि हाथ में ऑयल जो है हाथ में ना आ जाए। तो इस तरीके से जब इसको पलट देंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश पूड़ी बन रही है सिंगाड़े के आटे की। इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं सिंगाड़े के आटे की पूड़ी या कुट्टू के आटे की पूड़ी। आपको गैस मेरी वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सर पीजिएगा, कान्हा जी के लिए भोग लगाइएगा और खुद पाइएगा और तुलसी पत्र रखकर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री।